वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है वैसे देखिएगा तो उसमें क्वेश्चन दिया नहीं है, लेकिन कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 1 यानी उदाहरण नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिया गया है उस समस्याओं को हल करना है। तो उदाहरण नंबर 1 जो आप किताब खोलिएगा पीछे पलटिएगा 4.1 के ऊपर होगा, ठीक है। और यहाँ पे जब देखिएगा उसका एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल नंबर ये 1 है, ठीक है। बहुत ही आसान है, मज़ेदार है, क्वेश्चन कोई भारी नहीं होता। अगर आपको मैथमेटिक्स में जिस दिन मज़ा आ गया उस दिन हर सब्जेक्ट में आपको बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स होता बहुत आसान है। ये आसान होता क्यों है, क्योंकि देखिए ये हमारे मतलब दैनिक जीवन से रिलेटेड सब क्वेश्चन होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। यहाँ पे जॉन है और जीवंती है, यानी कि ये हस्बैंड वाइफ है, भाई बहन है, यहाँ पे कोई कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। जॉन और जयंती दोनों के पास कितना मार्बल है, 45 यहाँ पे मार्बल है, समझिएगा दोनों को मिला के 45 है। अब ये नहीं पता है कि जॉन के पास कितना है, जीवंती के पास कितना है, लेकिन दोनों अपना अपना मार्बल रखा तो कितना मार्बल है, 45 मार्बल है, समझिएगा। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। कह रहा है गलती से बेचारी जीवंती एंड कौन जॉन यहाँ पे क्या किया, 5 मार्बल दोनों ने एक मतलब अपने में से 5-5 मार्बल इन्होंने खो दिया, मतलब टूट गया होगा, गिर के फूट गया होगा, समझिएगा क्वेश्चन को। दोनों के पास 45 मार्बल है, मिला करके कुछ जॉन के पास है और कुछ जीवंती के पास है, ये दोनों ने क्या किया, 5-5 मार्बल क्या कर दिया अपना, खो दिया यानी फूट गया किसी वजह से। अब कराए जो फूट गया तो उसके बाद कुछ मार्बल बचा होगा, ये दोनों मार्बल जो बचा है इसका गुणनफल यानी प्रोडक्ट जो बचा है उसका अगर गुणा किया जाए तो कितना आना चाहिए, 124 यानी 124 आना चाहिए। तो बताओ कि उनके पास कितना मार्बल बचा है, ठीक है, यही बताना है। तो अभी बताइए दोनों को मिला के, मान लीजिए कि आप हैं और मान लीजिए कि कोई एक और लड़का या लड़की है, ठीक है, दोनों को मिला करके एगो के पास मान लीजिए कि 15 को मार्बल है, ठीक, टोटल मान लीजिए कितना मार्बल है, 45 मार्बल है। ध्यान से समझिएगा, अगर हम बोले कि जॉन के पास 15 मार्बल या 20 मार्बल होता, कितना होता, 20 मार्बल, तो बताइए जीवंती के पास कितना, दोनों को मिला के जब 45 है, जॉन के पास 20 रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो जीवंती के पास जाहिर सी बात है 25 होगा, तब ना दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो आप क्या किए हैं, जब जॉन का पता था तो जीवंती उसमें से पूरा में से घटा दिए हैं, यानी आपको पता था कि जॉन का कितना हो गया 20, तो जीवंती का निकालने के लिए 45 में से 20 घटाए तो कितना आ गया, 25 आ गया। मतलब अगर एक वो पता हो जाए तो दूसरा हम लोग घटा के निकाल सकते हैं, यही कहने का मतलब हुआ ना। तो बताइए अगर जॉन का 20 है, 20 के जगह हम नंबर तो नहीं मान सकते, एक्स मानेंगे, 20 के जगह क्या मानेंगे, एक्स, तो 45 में से क्या करना पड़ेगा, एक्स जब हम घटाएंगे तो ये किसका निकल जाएगा, जीवंती का, यानी ये हो जाएगा आपका जॉन का और ये हो जाएगा कौन, यहाँ पे जीवंती का, समझ में आया, तो जीवंती का ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। दोनों ने क्या किया है, ये हटाइए क्योंकि ये तो घटेगा नहीं, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए यानी फूट गया होगा, तो ये जॉन के पास एक्स है, ये भी बेचारा 5 को गंवा दिया और ये भी बेचारी 5 को गंवा दी, तो बताइए एक्स में से 5 जाएगा ये तो घटेगा नहीं, लेकिन 45 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस एक्स, जॉन के पास है x माइनस 5 और जीवंती के पास कितना हो गया, 40 माइनस 5, ये फूटने के बाद बचा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बचा है उसका गुणनफल माने प्रोडक्ट माने जो भी बचा है उसका गुणा करें तो कितना आंसर आ रहा है, 124। तो देखिए ये दोनों को गुणा कीजिए, x माइनस 5 और कौन क्या बचा है, जीवंती, 40 माइनस एक्स, ये दोनों को हमने गुणा कर दिया, गुणा का मतलब ब्रैकेट दे दिए तो हो गया, गुणा करने के बाद कितना आया, 124। अब बस इस इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, बना लीजिए, आपका समीकरण तैयार हो जाएगा। और जब समीकरण द्विघात समीकरण तैयार हो जाए तो फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ लेंगे। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, पहले एक्स मान लें, माना कि जॉन के पास मार्बलों की संख्या कितना मान लोगे, x। तो जब जॉन के पास मार्बल की संख्या x हो गया और दोनों को मिला के 45 है, तो 45 में से जॉन का निकाल लोगे तो किसका बचेगा, जीवंती का, तो हम निकालेंगे 45 में से जॉन का, जॉन का क्या है, x है, तो यहां लिखिएगा तथा जीवंती के पास मार्बलों की संख्या 45 माइनस x। अब देखिए जॉन के पास है x,
जीवंती के पास 45 माइनस एक्स, और दोनों ने पांच पांच मार्बल गंवा दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, जो समझो अपने में लड़ लिया होगा, एक उनको पांच पांच को फूट गया होगा कहीं, ये भी हो सकता है। तो दोनों ने पांच पांच गंवा दिया, तो दोनों में से पांच पांच घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कैसे लॉस कर दिया है। तो यहां लिखेंगे पांच मार्बल खोने के बाद जॉन के पास मार्बल की संख्या कितना हो जाएगा। तो ये एक्स था बेचारा, ये पांच खो दिया अपना। तो जो भी देखिए एक्स का वैल्यू मान लीजिए कि अगर 20 होता तो उसमें से पांच को खो देगा तो वो 15 को बचता ना, वही तो एक्स का मान निकालना है। तो अभी तो एक्स है तो पांच खो दिया, और वैसे ही पांच मार्बल खोने के बाद देखिए ये लाइन खींच रही, इसका मतलब यही चीज लिखेगा, पांच मार्बल खोने के बाद तक यही उतारना है। जीवंती भी बेचारी पांच मार्बल खो दी, ठीक है, जीवंती के पास मार्बल की संख्या। तो पहले मार्बल इसके पास था 45 माइनस एक, ये भी पांच को गंवा दी, तो 45 में से पांच को इसका निकल गया, तो 40 माइनस एक है तो एक, नंबर में से नंबर को घटा लिए। अब बोला जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, पांच खोने के बाद जो इसके पास बचा, जॉन के पास ये बचा, जीवंती के पास ये बचा, तो जो बचा है वो दोनों का गुणनफल, ठीक है, जो बचा है उसका गुणनफल कितना है 124। गुणनफल यानी प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों को गुणा करने के बाद जो फल मिला है 124। तो यहां लिखिएगा प्रश्न से, क्या लिखिएगा प्रश्न से, और लिखिएगा यहां पे जॉन के पास था एक्स माइनस पांच और जीवंती के पास था 40 माइनस एक्स, और दोनों का गुणनफल कितना है तो 124 है। बताए थे ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है दोनों में गुणा होता है, एक्स में पहले दोनों से कीजिए फिर 5 में दोनों से कीजिएगा। एक्स में 40 से तो हो जाएगा ये कितना 40x, एक्स में एक से तो माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस 5 में 40 तो 5 होगा कितना हो जाएगा 20, 200, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 में एक से तो कितना होगा 5x इज इक्वल टू 124। एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग देखिए फोर लेसन में कोशिश कीजिएगा हमेशा एक ही चीज कि द्विघात समीकरण में बन जाए। तो बताइए कि दो गो घात आ गया कि नहीं, तो इसका मतलब कि जैसे ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात में बनेगा तो उसको फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ लेना है, यही ना काम करना है। तो एक काम करते हैं, हम इसको लेके इधर चलते हैं, इसको भी ला सकते हैं, लेकिन जब इसको लाइएगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा रह जाएगा, हम इसको पॉजिटिव कर देते हैं, आने के लिए वैसे भी आंसर आ सकता है। इसको उधर ले जाएंगे, अब हम उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, इधर सबको उधर ले जाना है तो इधर कुछ नहीं तो जीरो बचेगा, उधर जाते जाते ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब प्लस लिखते नहीं है, ये किस में है तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में 40x, ठीक है, ये किस में है प्लस में, माइनस में, तो इधर जाएगा तो ये प्लस में 200, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस में 5x और इधर क्या था 124, बचेगा इधर कुछ नहीं तो जीरो, तो इधर नहीं, खूबसूरत दिखने के लिए इधर जीरो लगाते हैं, कोई एक जात का दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 40x यहाँ पे और 5x यहाँ पे, दोनों x वाला पार्टी है, ठीक है, तो x स्क्वायर 40 और 5 45 को हो जाएगा 45x, और यहाँ पे 200 और 124 हो जाएगा आपका प्लस में 324, ठीक है, यही ना था 124 बराबर में जीरो। अब आ गया आपका द्विघात समीकरण, तो यही तो करना है, बस द्विघात समीकरण ला देना है। अगर फिर से आपको निकालना है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ, स्टार्टिंग में उन लोगों के पास कितना मार्बल था, तो 45 था, लेकिन उन लोगों के पर्सनल कितना था, माने जॉन के पास कितना था, जीवंती के पास कितना था, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इनटू लास्ट पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट पे बनाते हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुणा कीजिएगा तो कितना होगा 324 होगा, जब 324 होगा इसको तोड़िएगा, ध्यान से देखिए कैसे हम लोग क्या करते हैं, बीच वाले को तोड़ते हैं, ये दोनों को गुणा करने पर 324 आ जाना चाहिए, तो जब ये तोड़िएगा तो दो से कीजिएगा, दो एकम दो, दो छक 12, दो दूना 4, ठीक है, दो से दो अठे 16 और ये हो जाएगा दो एकम दो, तीन से कीजिएगा तीन दूना 6, तीन नवा ये 3 7 21, फिर तीन से कीजिएगा तीन नवा 27 और ये हो जाएगा 3 3 9, फिर 3 1 3, यहां देखिए तो क्या आया, तो ध्यान से समझिएगा, अगर 2 2 4 ये लाइन से देखिए यहां से यहां तक अगर हम गुणा कर दे, 2 2 4 4 3 12 12 3 36, और 3 3 का कितना 9, तो 36 9 45 हो जाएगा, और 36 में 9 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 324। तो ऐसा दो गो नंबर चाहिए, गुणा करने पर 324 और फिर जोड़े चाहे घटाएं तो क्या आ जाए, पर बीच वाला आ जाए, तो ऐसे इधर हम लोग 36 और 9 मिला है ना, तो इधर देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 45 को क्या लिखेंगे, माइनस में 36x और माइनस में 9x,
ये हो जाएगा आपका प्लस में 324, ठीक है। एक्स दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में हमको मिल रहा है एक्स कॉमन, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 36। ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो माइनस में अगर हम 9 निकाले, तो जब 9 निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा एक्स, और जब माइनस निकाले हैं तो दोनों में से निकलेगा, तो ये भी हो जाएगा माइनस में 36। दोनों सेम आए, बराबर में 0 दे दिए, दोनों सेम आए, तो एगो बाहर वाला लिखते हैं एक्स माइनस 9 और एक ठो अंदर वाला लिखते हैं एक्स माइनस 36 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए तो एक्स माइनस 9 बराबर 0, तो एक्स बराबर 9। एक बार इसको बराबर कीजिए तो एक्स माइनस 36 बराबर 0, तो एक्स बराबर प्लस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 36। अब यहाँ पर दो दो ठो वैल्यू निकला है, ठीक है, तो बताइए कि दोनों को जोड़ने पर, देखिए तो जॉन और जीवंती का यहाँ डायरेक्ट समझ लीजिए, ठीक है, कि अगर जीवंती के, जॉन के पास 9 गो होगा, कितना होगा मार्बल 9 गो होगा, तो जीवंती के पास कब होगा 36 गो, तभी तो दोनों मिला के कितना हुआ था 45 हुआ था, आ नहीं तो अगर जॉन के पास 36 होगा तो जीवंती के पास कितना होगा 9 गो होगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, बेचारा 5-5 गवाह है, उस हिसाब से भी देख सकते हो। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बिना देर की हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान से आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिएगा ये क्या बोल रहा है, ठीक है। बोला है कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे, मतलब एक दिन में कुछ खिलौना तैयार हो रहा है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौना तैयार हो रहा है, पता नहीं है लेकिन जान लीजिए कि मान लीजिए एक उद्योग कंपनी हो गया, इसमें कुछ खिलौना बन रहा है, क्या बन रहा है, कुछ खिलौना बन रहा है, यहाँ समझने की कोशिश की, मान लीजिए कि हमने ये खिलौना आपको ऐसे बना दिया, ठीक है, इतना ही खिलौना बनाओ, ज़्यादा नहीं, नहीं तो इसी में लगोगे खेलने। इधर देखो, द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्शन ऑफ इच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे। कह रहा है कि मान लीजिए कि जो एक कंपनी है, कुटीर उद्योग है, इसमें कुछ खिलौना बन रहा है, लेकिन एगो खिलौने का दाम पता है कितना है, ये एक दिन में खिलौना बना है, पहले ये जान लीजिएगा कितना दिन में बना है, ये एक दिन में खिलौना इतना बना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये ऐसे ही रफली हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ तो कोई नंबर वगैरह, बस एगो 55 दिया, दूसरा कोई नहीं दिया, एक दिन में इतना खिलौना हमारी कंपनी एक बना लेती है, ठीक है। अब बताइए, कह रहा है कि एक खिलौने का दाम पता है कितना है, कह रहा है कि जितना खिलौना 55 में से जितना खिलौना है उतना घटा दीजिए, ठीक है, माने एक दिन में जितना खिलौना बन रहा है उतना घटा दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 घटा दीजिए, जब 55 में से 12 घटाइएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, अब 5 में से 1 जाएगा तो 4, यानी एक खिलौना का दाम पूछ रहा है 43 रुपया हो जाएगा। ऐसे हम बता रहे हैं, इसके हिसाब से नहीं, ऐसे समझा रहे हैं, ये कैसे निकलेगा, बोल रहा है कि कंपनी है, इसमें कुछ खिलौना बन रहा है और एक खिलौने का दाम कितना है, तो स्पेशल नंबर दिया है खुद से अपने से, 55 में से जितना एक दिन में खिलौना बना है ना, एक दिन में इतना ही बना है, उतना घटा दीजिए तो एक खिलौने का दाम निकलेगा, यानी एक खिलौने का दाम कितना हो गया 43 रुपया। तो पूछा है कि बताइए भाई सब मिला के पैसा कितना लगा है, भाई यहाँ देखिए कह रहा है कि एक दिन में जितना खिलौना बना है, समझिएगा, उस खिलौना को बनाने में कितना रुपया लगा है, 750 रुपया लगा है, कहाँ लगा है जी, 750 रुपया। तो देखिए आपको एक चीज़ नहीं पता है कि एक दिन में खिलौना कितना बन रहा है, हम तो अपने से बोले हैं ना कि मान लीजिए कि एक दिन में 12 गो खिलौना बन रहा है, आप क्या मानिएगा, एक दिन में खिलौना बनेगा एक्स, ठीक है, एक दिन में कितना बनेगा एक्स, ये याद रखिएगा, उस हिसाब से 55 माइनस एक्स हो जाएगा, अब बाद में दोनों का दाम कितना हो जाएगा, तो इस हिसाब से देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम मानते हैं यहाँ पे क्या, एक दिन में कितना खिलौना बनेगा, सबसे पहले वो मानते हैं, एक दिन में निर्मित, मतलब बनना होता है निर्मित खिलौनों की संख्या, एक दिन में कितना बन रहा है, तो एक दिन में खिलौना बना है x, एक दिन में मान लीजिए कि जितना भी संख्या हमको पता नहीं है, ऐसे तो हम दिए हैं लेकिन एक दिन में हमको नहीं पता है तो x मान लेंगे, और एक खिलौने का दाम कितना है, एक खिलौने का दाम कितना है, तो 55 में से x घटा लीजिए, यानी 55 में से जितना खिलौना बना है, तो खिलौना x ही ना बना है, टोटल x वो है, ठीक है, उतना घटा लेंगे। अब बताइए, कह रहा है कि टोटल खिलौने का दाम कितना होगा, आप करते क्या हैं, ध्यान से समझिएगा, एक वो खिलौना का दाम अभी हम निकाले थे 43 रुपया था, और टोटल कब वो खिलौना है,
12 को है तो 12 में 43 से हम लोग क्या कर देते हैं गुणा, यानी कि टोटल खिलौना में आ एगो खिलौना से क्या कर देते हैं, एगो खिलौना के दाम में गुणा कर देते हैं। तो एक खिलौना का दाम कितना है ये है, और टोटल खिलौना कितना है, मान लीजिए कि एक खिलौने का दाम हो गया 5 रुपया, ये कहीं वो खिलौना है, कुछ देर के लिए मान लीजिए कि हमने इसको मान लिया है 5 रुपया, आपके गए हैं मार्केट में तो आप 5 गो खिलौना खरीदे हैं, तो क्या करते हैं टोटल खिलौना 5 गो आइए उसका दाम 5 गो, तो 25 रुपये हो जाएगा। यानी कि आप टोटल खिलौना, यानी कि यही ना है जी, टोटल एक दिन में कितना बना है वो खिलौना, आ एगो खिलौना का दाम कितना है वो, दोनों को क्या करते हैं गुणा, तो पूरा रुपया निकल जाता है। पूरा कितना रुपया लगा है 750। तो यहाँ लिखिएगा अब प्रश्न से, यहाँ क्या लिखिएगा एक्स इंटू, मतलब कि ये पूरा खिलौना है और एक खिलौने का दाम 55 माइनस एक्स, और दोनों को गुणा करने पर कितना आ रहा है 750 रुपया। ठीक है, ये आप गुणा कर दीजिए क्रॉस, मतलब कि इसमें क्या करते हैं ब्रैकेट के बाहर गुणा कीजिए, 55 में एक से तो हो जाएगा 55x, एक्स में एक से तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ये दोनों को इधर लेके जाइए, तो ये प्लस माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर का बचा 750 इज इक्वल टू 0। आपका समीकरण तैयार हो गया। आज जब भी बाबू समीकरण तैयार हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उधर बनाते हैं। अब यहाँ इसी क्वेश्चन को हम लोग देखिए यहाँ कैसे फर्स्ट इंटू लास्ट पर बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक्स माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। क्या करते हैं लास्ट वाले नंबर को तोड़िए, ऊपर से देखिए हम लोग को लास्ट वाले नंबर को तोड़ना है, अब बीचों वाला को तोड़ना है, ऐसे दो हिस्सा में तोड़ना है कि दोनों को गुणा करें तो ये वाला आ जाए। ठीक है, और फिर उसको जोड़ दे तो फिर अपने औकात में आ जाए 55 आ जाए। पहले 750 को तोड़ते हैं, ऐसा लग रहा है ना, जीरो है तो दो से टूटेगा, दो दूना चार, एक दो तिहाई छः, एक बचेगा यहाँ हो जाएगा 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 3 से कटाइए, 3 × 1 = 3, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 5 से कटाइए, 5 × 2 = 10, 50 = 25, फिर 5 से कटाइए, 50 = 25, फिर 5 से कटाइए, 5 × 5 = 5। देखिए इसी को तो बस सजा देना है, इस सबको गुणा कीजिएगा तो आइए जाएगा किसी तक कितना 750। सजाना क्या है कि इसको दो हिस्सा में तो बांट देना है, इसको कितना हिस्सा में, दो हिस्सा में। हम काम करते हैं, एगो ये हिस्सा ले लेते हैं, एगो ये हिस्सा, देखिए 2 × 3 = 6 और 6 × 5 = 30, इसको किए तो 30 आया, ये 50 = 25 आया, 30 × 25 = 55 होता है, आ गया ना दो हिस्सा, इसी को हम बांटे तो 55 आ गया, और फिर दोनों को गुणा करेंगे तो वो तो अइबे करेगा इतना। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर उतार देंगे, माइनस है तो माइनस, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 30x, ठीक है, और माइनस यहाँ एक 25 है ना तो 25x, दोनों में से ये जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आपका 55 आ जाएगा। ध्यान से समझने की आप कोशिश कीजिएगा। देखिए अब उसके बाद से जो बचा है उसको लिख दीजिए 750 = 0, ये गुणा करने पर इतना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। ये दोनों माइनस में क्यों लिखे हैं, क्योंकि आंसर किस में है, ये माइनस में है, कॉमन लीजिए, दोनों में एक्स कॉमन लेना है, बाहर निकल जाए तो एक्स माइनस 30, इसमें माइनस 25 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस ये 30 हो जाएगा बराबर में 0। एगो बाहर वाला लिखिए एक्स माइनस 25, एगो अंदर वाला लिखिए एक्स माइनस 30, एक्स माइनस 25 लिख दिया, दोनों एक ही जैसा है तो एक्स माइनस 30 बराबर में क्या हो गया 0। एक बार इसको 0 के बराबर तो एक्स माइनस 25 बराबर कितना 0, एक्स बराबर हो गया एक 25। ठीक है, दूसरा देखिए एक्स माइनस 30 बराबर 0 तो एक्स बराबर 30, तो यहाँ 25 आ गया, आयो का आ गया 30 आ गया। तो यहाँ क्या हुआ, आप क्या माने हैं समझिएगा, यहाँ से ये दोनों को जोड़ने पर 55 आ जा रहा है कि नहीं, तो देखिए एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितना है, तो यहाँ पे अगर 25 ले रहे हैं एक दिन में, ठीक है, तो यहाँ से 25 घटाना पड़ेगा तो 30 बचेगा एक खिलौने का दाम, अगर 30 ले रहे हैं तो क्या बचेगा 25 बचेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन नंबर कितना 2। ठीक है, तो बिना देर के हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 3 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, एकदम हल्का, एकदम हलुआ है, समझिए, ये तो सबको ही जानता है। कह रहा है फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कह रहा है कि एक दो कोई नंबर है, ये दोनों नंबरवा का अगर जोड़ रहे हैं तो 27 आ रहा है, और ये दोनों नंबरवा का अगर गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 182 आ रहा है। समझे हम क्या बोले, इसी नंबर को दो ठो ही नंबर है और दोनों नंबर को अगर जोड़ दे रहे हैं तो 27, यही दो नंबर को गुणा कर दे रहे हैं तो क्या जा रहा है 182। जैसे कि मान लीजिए कि हम लिखे यहाँ पे 4 और यहाँ 8, तो 8 और 4 कितना आ रहा है, जोड़ रहे हैं तो 12 आ जा रहा है, 8 × 4 = 32, गुणा कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 32 आ जा रहा है। वैसे ही दो कोई नंबर यहाँ भी है पता नहीं है, उसको जोड़ दे रहे हैं तो आ जा रहा है 27, गुणा कर दे रहा है 82। तो एक काम करते हैं ना,
मान लीजिए कि दो गो कोई नंबर है, आई दोनों नंबरवा को अगर हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो कितना आ जा रहा है 27। अगर पहला नंबर को हम x मान लें तो दूसरा नंबर कौन सा होगा, तो ये प्लस में आने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 27 प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ये वाला। तो पहला नंबर ये था, दूसरा नंबर ये था। पहला नंबर हमने x माना तो इसको हम इधर भेज दिए, तो दूसरा वाला नंबर क्या निकला, 27 माइनस वाई। तो वही चीज़ यहाँ मान ले रहे हैं, माना कि पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो ये क्या निकला है 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स वाई पर भी बन जाएगा। अब देखिए पहली संख्या एक्स निकल गया, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स निकल गया। अब कह रहा है ये दो गो नंबर हमको पहला दूसरा मिल गया जो ये निकल गया, अब ये दोनों नंबर को गुणा करने पर कितना आ रहा है 82 आ रहा है, 182। तो लिखिएगा यहाँ पे प्रश्न से गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू, गुणा दोनों को कर दिए यहाँ पे कितना हो गया 182। अब ये मत सोचिए कि यहाँ गुणा कहाँ किए, अरे ब्रैकेट दे दिए, इसका मतलब इसमें और इसमें क्या हुआ है, गुणा हुआ है। x में 27 से तो हो जाएगा 27 एक्स, एक्स में x से तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसको इधर लेके जाइएगा तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 182 इज इक्वल टू 0। अब इसको तोड़िए, आप तोड़िएगा कैसे, फिर लास्ट वाले को तोड़िएगा ऐसे करके, 182 दो से तोड़िए, दो नवा 18, दो एकम दो, यहाँ तोड़िएगा 7 से, 7 एकम 7 ये हो जाएगा 3, ठीक है, 7 तरीका 21 ये हो जाएगा आपका 13 1। अब बताइए इसी को ना तोड़ना है तो दो गो ग्रुप बनाइए, 7 2 14 आ एगो ये ग्रुप 13, तो 14 और 13 कितना हो जाए, तो 14 और 13 हो जाएगा 27, और 14 में 13 से गुणा कीजिएगा तो 182, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक लिखिए 14x और माइनस 13x और प्लस में 182। दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है निकाल लीजिए, x कॉमन मिल रहा है तो एक वो x निकल गया तो ये x बचेगा माइनस 14, इसमें से निकालिए माइनस 13, तो ये हो जाएगा x माइनस 14, ठीक है। अब यहाँ हो गया ना आंसर, बात खत्म। क्या एक वो बाहर वाला लिखिए x माइनस 13, एक ठो अंदर वाला x माइनस 14, ठीक है, इसको हटा दें हम, बराबर में सब 0 लिखिएगा, ठीक है। एक बार लिखिए x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13, और एक बार लिखिए x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो देख लीजिए यही दो x का मान निकला है, ठीक है, ये दोनों को जोड़ने पर 27 हो जाएगा, आइए दोनों को गुणा करने पर कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए मैथमेटिक्स में आपका बहुत ही ज़बरदस्त नंबर, यानी कि 95 के ऊपर ही आपका मार्क्स आएगा, बस आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को देखते चलिए, ठीक है। तो बिना देर के हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ ये 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन भारी नहीं होता है, और एक और चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना कि हम पढ़ कर क्या किसी को पढ़ाना है, तो ही आपको दिमाग में हर चीज़ अच्छा तरीके से मतलब डीपली बैठ पाएगा, ये दिमाग में आप रखिएगा। नहीं तो आप सोचेंगे बस 10th का एग्जाम दे देना है, उसी दिन तक हमारे दिमाग में रुके, तो जिसको कम दिन के लिए मेहमान बनाइएगा ना वाकई में कम दिन के लिए रहेगा, और वो सबसे ज़्यादा ही आप भूल जाएंगे, मतलब सबसे जल्दी आप भूल जाएंगे। इसीलिए आप ऐसा पढ़िए, ऐसा समझिए कि आप दूसरे को भी समझा सके। तो यहाँ आप क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। नहीं पल्ले पड़ा, ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि लगातार दो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या बोला है कि लगातार दो धनात्मक पूर्णांक, ये पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है, धनात्मक पूर्णांक लगातार। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक तो हो गया 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, ये लगातार है, ठीक है। ये नहीं कि 3 के बाद डायरेक्ट 6 लिख दिया बोले कि ये पूर्णांक है तो गलत हो जाएगा, लगातार नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 और 4 हो गया। इसमें भी क्या बोला है, धनात्मक यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस वाला, ठीक है, प्लस वाला, यानी कि यहाँ से यहाँ हमको ज़रूरत नहीं है, प्लस वाला। कह रहा है कि लगातार दो गो ऐसा धनात्मक पूर्णांक निकलिए, कोई भी लगातार होना चाहिए, अगर ये है तो ये है, उस दोनों को स्क्वायर करके जोड़े। क्या करें, स्क्वायर, मान लीजिए कि 1 है तो 1 का स्क्वायर, ऐसी के लगातार 2 है तो 2 का स्क्वायर, माने वर्ग करके हम क्या करें, जोड़े, तो कितना है 365 आए, समझे।
क्या बोला है, लेकिन हमको ये थोड़े पता है, तो बस हम एग्जांपल ऐसे ही ले लिए, कोई इसमें होगा नंबर, तीन है, चार है, पाँच है, छः है, ये तो अनंतक है ना, ठीक है। तो कोई लगातार जैसे ये वाला लेंगे तो अगला वाला लेना पड़ेगा, आई दिनों का अगर वर्क करके जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 365 आना चाहिए। आप एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि ये एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है और सब नंबर है, अगर मान लीजिए कि आप एगो हई नंबर ले लेते हैं तो जाहिर सी बात है आगे वाला लेना पड़ेगा एक। तो जब ये नंबर लेंगे दो, तो आगे वाला नंबर पाने के लिए क्या करेंगे, दो में क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे, तब ना तीन मिलेगा। चलिए मान लीजिए आप दो नहीं चार ले रहे हैं, तो मान लीजिए चार ले रहे हैं तो आगे वाला नंबर पाने के लिए, लगातार बोला है ना, मतलब क्रमागत बोला है, क्रमागत का मतलब क्रम से, लाइन से। तो चार अगर इसको मान लेते हैं, आप बोले कि सर हम ये वाला नंबर लेंगे, ठीक है तो ले लीजिए, लेकिन आगे वाला नंबर कैसे आएगा, यानी इसी चार में एक जोड़िएगा तो ये आगे वाला नंबर मिल जाता है, ठीक है। अब बताइए बाबू, हम तो ये नंबर मान रहे हैं ना, अपने से ना ले रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई नंबर नहीं दिया है, बोल रहा है कि कोई दो लगातार है, ठीक है, वो दोनों को स्क्वायर कीजिए, ऊपर क्या बैठा दिए, दो बैठाइए और तब उसको जोड़िएगा तो क्या आएगा, 365। तो हमको दोनों में कोई नहीं पता है, तो पहला वाला मान लीजिए कि इसको हम एक्स मानते हैं, क्या मानते हैं, इसी को मान लेते हैं, चाहे किसी को भी एक्स मानते हैं, तो इसके आगे वाला नंबर लाने के लिए इस नंबर में हम क्या जोड़ते हैं, वन जोड़ते हैं, तो बस पहला को एक्स मानिए तो दूसरा वाला नंबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन, और दोनों को स्क्वायर करके, मतलब दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। देखिए तो हमने दोनों को स्क्वायर किया और दोनों को जोड़ दिए तो कितना आएगा, जब दोनों को हम स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 365, यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मानिएगा, यहाँ मानिएगा, आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ कैसे मानेंगे, माना कि पहला धनात्मक, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे, x, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक, बताइए, और लगातार बोला है, ठीक है, तो पहला x है तो इसमें एक जोड़िएगा तो आगे वाला मिल जाएगा लगातार, x प्लस वन। अब बोला है प्रश्न से, आप लिखिएगा प्रश्न से, प्रश्न देखिए, दो लैंग्वेज लिखिए, जब ज़्यादा लैंग्वेज दिमाग में नहीं समझ आता है तो प्रश्न से लिख दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि दोनों का क्या करना है, स्क्वायर करना, यानी दोनों के वर्गों का योग कितना है, 365 है, तो पहले वर्ग कीजिए इसका, फिर इसका भी वर्ग कीजिए, आप वर्ग करके क्या कर दीजिए, दोनों को वर्ग करके जोड़ दिए तो कितना आया, 365 आया। अब इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, स्क्वायर रखना है रखिए, बराबर 365 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है, आई हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 365। एगो एक्स स्क्वायर आ एगो एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, 2x स्क्वायर प्लस वन, आ ये देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो पहले ये उतार दीजिए, उसके बाद से माइनस में 365 बराबर में 0, 2x स्क्वायर, तनी अच्छा से सजा करके लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर है तो उसके बाद से लिखिएगा 2x, और 365 में से यहाँ देखिएगा एक जाएगा, ये एक है तो कितना हो जाएगा, 365 में से एक जाएगा तो हो जाएगा 364 बराबर में 0। अब ये दोनों में कुछ मिल रहा है, ध्यान से देखिए, ये दोनों में कुछ ना कुछ मिल रहा है, हमको लग रहा है कि इसमें दो मिल रहा है, ये सब दो से कट जाएगा, जब दो बाहर निकलिएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपका एक्स, ठीक है, और यहाँ बचेगा आपका कितना बचेगा, 2 × 1 = 2, ये हो जाएगा तो हो जाएगा 2 × 8 = 16 और 2 × 2 = 4 = 182 बराबर 0। ये दो किस में है, इनटू में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में, तो 0 के नीचे आएगा तो 0 में 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, बात वही बचेगा, सिर्फ अकेले बचेगा 182, 0/2 भाग देने पर ये पूरा 0 बन जाएगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 182 बराबर में 0। अब इसको फर्स्ट इनटू लास्ट पर तोड़ दीजिए, तो हमको लग रहा है कि ये पीछे वाला जो क्वेश्चन था वैसे ही है, 182 है तो आप कर सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, इसको तोड़ोगे तो 14 को x में से 13 हो जाएगा तो 1 x बचेगा, और 14 में 13 से गुणा करोगे तो 182 आएगा, ठीक है। तो हमने इसको दो हिस्सा में तोड़ दिया, माइनस तो माइनस 182 बराबर में 0। अब देखिए ये दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा,
एक्स प्लस 14, यहाँ दोनों में माइनस है, माइनस निकालिए, दोनों में 13 का पहाड़ा मिल जाएगा, 13 निकालिएगा तो ही बचेगा एक्स, और ये 13 का पहाड़ा जब 14 बार पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, 182 आ जाएगा बराबर में 0। देखिए 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 में 14 से गुणा कीजिएगा तो ये 182 आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या करते हैं फर्स्ट क्लास में, आसान है ना, यहाँ पे एगो बाहर वाला लिखते हैं एक्स माइनस 13 और एगो अंदर वाला एक्स प्लस 14 बराबर में 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए, एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो गया 13, और ये हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में 14। आपसे बताए थे कि माइनस में नहीं होगा क्योंकि ये बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक, क्या बोल रहा है धनात्मक, तो ये माइनस वाला हम लोग नहीं लेंगे। अब बताइए पहला आप क्या माने हैं, x पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं, पहला धनात्मक पूर्णांक आप माने हैं क्या x, और x का मान कितना आया है 13, और दूसरा क्या माने हैं, दूसरा माने हैं x प्लस 1, तो x का मान 13 और प्लस 1 13 और ये कितना 14। देखिए बाबू एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यही कह रहा था कि अगर लगातार है कि नहीं, 13 के बाद क्या आता है 14 आता है, तो यही दोनों लगातार नंबर है जिसको आप स्क्वायर करके आज जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो बिना देर की हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन में तो जान ही नहीं है, अगर आप चाहें तो इसे मतलब एकदम इजी वे में बना सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, आप एक चीज जानते हैं समकोण त्रिभुज का होता है, ठीक है, जो 90 डिग्री का कोण बना उसे क्या, उसे बोलते हैं समकोण, यानी राइट एंगल। यहाँ बोल रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहले समझ लीजिए। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज मतलब है यहाँ पे समकोण यही होता है, देख लीजिए समकोण, समकोण में होता क्या है कि ये दो ठो छोटा होता है, दोनों से बड़ा लाइन ये होता है, इस बड़े लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं कर्ण। जब हम आपको पढ़ाएंगे ट्रायगोनोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति तो सबसे मजेदार और आपको 1% फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख लीजिएगा, ये मेरा दावा है आपसे, ठीक है, दावा मतलब पीने वाला मत समझिएगा, गारंटी बोल रहे हैं, ठीक है, कर्ण है तो इसी में रूल से समझ जाइएगा। अब देखिए बाबू ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ा जाता है तो ये वाला मिलता है जिसको हम लोग पाइथागोरस कहते हैं, ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मूला ये होता है। अब पहले इसको समझ लें, बोल रहा है पता है ये है एल्टीट्यूड जिसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम रखते हैं, अभी के लिए ये ऊंचाई है, आगे पढ़िएगा तो वहां के लिए लंब हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऊंचाई है और ये क्या है आपका बेस जिसको हम लोग बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं आधार, बेस भी कहते हैं, ये एल्टीट्यूड है ये मान लेते हैं क्योंकि यहां एल्टीट्यूड दिया है। कह क्या रहा है, कह रहा है कि पता है ये ऊंचाई कितना है, इसके बेस से, यहां समझिएगा, कह रहा है कि 7 लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 गो कम है, यानी अगर ये 12 गो बेस होता 12 सेंटीमीटर तो इससे 7 गो कम ही होता, तो 12 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा 5, यानी ये 5 होता, समझ में आया, यही बोल रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं दिया, बेस जितना भी है उससे 7 गो कम है, तो अगर हम बेस को मानेंगे एक्स तो ये कितना हो जाएगा, तो इसमें से 7 गो आप क्या करेंगे घटा लेंगे, यही ना काम करेंगे, तो वही यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले मानिएगा यहाँ पे क्या माना कि समकोण त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा x, तथा ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई आपका हो जाएगा x माइनस 7। तो बताइए ई वाला हो गया आप x मानिए, आई हो गया x माइनस 7, आ इसका हाइपोटेनस दिया है, हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है कर्ण होता है, कर्ण कितना दिया है 13 दिया है। अब फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता क्या है तो समझिएगा ध्यान से, ये देखिए ये दोनों लाइन से ये बड़ा है कि नहीं, ये दोनों लाइन से बड़ा है, तो जानते हो ये कर्ण क्या कहता है, सबसे बड़ा है तो भाई थोड़ा सा रहेगा ही गुस्सा, ये कहता है कि देख तू जो दोनों हमसे छोटा है, ये वाला इससे छोटा है, तो पता है अगर मेरा सामना करना होगा हमसे टकराना होगा तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम अपने पावर को दुगुना यानी कि स्क्वायर कर लेते हैं, अपने पावर को क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, अब आ जाओ हमसे टकराने, ये अपने आप को डबल कर लिया, तो बोला लो ये सब दोनों का इससे क्वेश्चन क्या है, बताइए कि हम आपके बराबर आना चाहेंगे तो क्या करेंगे, तो ये वाला राय क्या दिया है ध्यान से समझिए, ये बोला है कि एक काम करो हम अपने पावर को दुगुना कर लिए है ना, तुम अकेले अकेले आएगा तो लफड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, तू हार जाएगा हमसे, तू भी अपने पावर को डबल कर लो, और तू भी अपने पावर को डबल कर लो,
अकेले मत आना, अपने पावर को डबल करके और दोनों जुट करके आना। मतलब ये अपने पावर को डबल करेगा, x माइनस सेवन अपने पावर को ये भी डबल कर, क्योंकि ये भी किया है, ठीक है, और ये भी अपने पावर को डबल करेगा, अकेले नहीं, और फिर दोनों जुड़ जाएगा तो ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझे, बड़ा वाला क्या बोला है, हम अपने पावर को कर लिए स्क्वायर, अब हमारे बराबर आना है, हमसे टकराने के लिए तुम अपने पावर को डबल करो, तुम भी डबल करो। डबल का मतलब स्क्वायर समझिएगा, ठीक है, और फिर दोनों साथ में मिल के आओगे तब हमसे टकरा सकते हो, हमारे ताकत के बराबर आ सकते हो। यही है हाइपोटेनस, मतलब कि ये पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है। तो अब बताइए कि यहाँ पे यही तो करना है, यहाँ प्रश्न से लिख के, ठीक है, और पाइथागोरस फॉर्मूला यही है, लिख दीजिए 13 का स्क्वायर, थोड़ा सा लाइन से लिखिए, 7x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। देखिए कभी भी ये समकोण त्रिभुज हो तो ये फॉर्मूला इसी कंडीशन में लगता है, ठीक है। अब बताइए 13 का स्क्वायर होता है 169, और ये a माइनस बी के द होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, यही क्या होता है x का स्क्वायर, ठीक है। 169 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 7 × 7 कितना होता है 49 होता है, और 7 × 2 कितना होगा 14 होगा, 14x और प्लस में एक्स स्क्वायर, कुछ एक जात का दिख रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक जात का है, तो 169 इज इक्वल टू एगो एक्स स्क्वायर, एगो सर कितना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 14x, थोड़ा सा x देखिए यहाँ 2x है, यहाँ पे एगो x हो गया, साइड में सजा के लिखते हैं तो एक भी x नहीं, 49, इस नंबर को इधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस में हो जाएगा 169, 2x इधर जीरो हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये 169 में से अगर 49 घटाएंगे तो 9 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 में से 9 हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ा वाला माइनस में है तो सिंबल किसका होगा, माइनस का होगा। कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में 2 का पहाड़ा कॉमन दिख रहा है, तो ये 2 जब निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2 × 7 = 14, और यहाँ क्या बचेगा माइनस में 2 × 6 = 60 बचेगा, ये गुणा में है, इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, 0/2 सब मिला के क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो यहाँ बचेगा 0 = एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। एक काम करते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट 60, 7 को ऐसे दो हिस्सा में तोड़िए, दोनों को गुणा करने पर 60 आ जाए और फिर जोड़े तो क्या आ जाए 7 आ जाए, तो क्या कीजिएगा उपाय बता रहे हैं, देखिए 0 को हटाइए अभी, एक्स स्क्वायर 12x में से अगर 5x घटाइएगा तो माइनस में 7, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में, अब 12 × 5 कितना हो जाएगा 60, माइनस में 60, इसको हम तोड़े हैं तो 12 और 5 लिखे हैं, 12 में से 5 जाएगा तो 7, ठीक है, घटाए क्यों है क्योंकि माइनस में और एक प्लस में रहता है तो घटाते हैं, दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है तो निकाल लीजिए, एक्स कॉमन मिल रहा है तो यहाँ एक्स माइनस 12 हो गया, और यहाँ पे क्या मिल रहा है 5 कॉमन मिल रहा है, तो जब 5 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ हो जाएगा 12, दोनों सेम आ गया तो समझिएगा आपका फर्स्ट इंटू लास्ट सही है। एगो बाहर वाला लिखिए एक्स प्लस 5, एगो अंदर वाला लिखिए एक्स माइनस 12, इधर 0 लिखे थे लेकिन आप थोड़ा सा अच्छा लगेगा इधर 0 लिखिएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा आप, एक बार इसको 0 के बराबर, देखिए प्लस वाला तो पहले लेंगे नहीं, ये दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि प्लस में है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो दिया है इसको हम लोग इधर लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे समझिएगा, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो आप बताइए कि जब इसको 0 के हम लोग बराबर करेंगे तो ये प्लस में है, जब भी बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला आंसर तो हम लेंगे नहीं, ये वाला लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एक्स माइनस 12 = 0, तो एक्स बराबर का हो जाएगा 12, जब एक्स बराबर 12 हो गया क्योंकि ये माइनस में तो उधर आ गया प्लस, तो प्लस वाला ही आंसर लेंगे। आप एक्स क्या माने, आधार माने हैं, तो आधार क्या हो गया आपका, आधार हो गया 12, और ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, ऊंचाई हो जाएगा एक्स माइनस 7 है ना, तो यहाँ पे 12 में से 7 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका कितना 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊंचाई आ गया 5 और यहाँ पे आधार आ गया कितना 12 आ गया, ठीक है। वो क्वेश्चन कह भी तो रहा था कि ये जितना भी है इसे 7 को कम ही है, तो 12 ही था तो 7 को कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 5। तो एक बार इसका स्क्रीन शॉट लीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ये आया होगा, क्वेश्चन भारी नहीं होता है, बहुत ईजी होता है, मज़े के साथ
एकदम मजा लेके पढ़िए, सीरियस होके पढ़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, याद कीजिएगा भुला जाइएगा, क्योंकि याद नहीं करना है, समझना है इसको। तो बिना देर के हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस 4.2 एक्सरसाइज का। देखिए इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, लेकिन ध्यान से देखेंगे कैसे किस चीज का कॉस्ट निकलता है, समझिएगा। नहीं समझ में आएगा आराम से अपने मातृभाषा समझ लो, उसमें हम समझाने वाले हैं। देखो एक कॉटेज, यहाँ पे इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच आर्टिकल वॉज 3 मोर दैन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। नहीं समझ में आया, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री में मान लीजिए कोई आर्टिकल तैयार हो रहा है, कोई भी वस्तु बन रहा है, ऐसे समझ लीजिए ये फैक्ट्री है। इस तरह बताए थे हम कुछ, इसमें मान लो बर्तन वगैरह जो भी समझ लो यहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है, बर्तन। मान लो इतना एक दिन में इतना बर्तन बन रहा है, ठीक है। अब बता है एक बर्तन का दाम कितना है, कह रहा है कि एक बर्तन का दाम कितना है, तो ये जितना है समझिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितना है उसका दुगुना करके 3 जोड़िए। क्या बोल रहा है, एक बर्तन का दाम कितना है, देखिए एक दिन में इतना 1, 2, 3, 4 कुछ देर के लिए एक एग्जांपल समझ लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ गो प्रोडक्ट कोई बन रहा है एगो कंपनी में, एक दिन में आठ गो प्रोडक्ट। अब पूछा जाएगा आठ गो सर प्रोडक्ट कंपनी में बनेगा तो बेचने से क्या कंपनी को फायदा हुआ, बता रहे हैं पहले एगो का दाम कितना है तब ना आठ गो का दाम निकालोगे। कह रहा है पता है एगो का दाम कितना है, देखिए आपसे चुटकुला की तरह ही बात किया है, फंस जाएंगे। एगो का दाम कितना है तो कह रहा है कि जितना ही है, कह गो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गो है, इसको दुगुना कीजिए, अब फिर इसमें 3 जोड़िए तो एगो का दाम निकलेगा। यानी जितना आप एक दिन में बना रहे हैं उसको दुगुना कीजिए और 3 को जोड़िए, ठीक है, तो एगो का दाम निकलेगा। तो 8, 2, 16, 16, 17, 18, 19 एगो का दाम कितना है, 19 रुपया है। तो आप बताइए सब मिला के 19 सब हो जाएगा ना, तो 19 में 8 से गुणा कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना आंसर होगा, ठीक है। लेकिन एक दिन में कितना बना है तो 8 बना है, ये हम अपने से बताएं, किताब में कुछ नहीं दिया है, किताब में आपको ये क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला एक दिन में कुछ सामान बन रहा है, ठीक है। और एक सामान जो बन रहा है, एक सामान का अगर दाम देखे तो जितना कंपनी में सामान बना है इस संख्या को गिन लीजिए, इसमें 2 से गुणा करके और 3 जोड़ दीजिए, मोर देन 3 लिखा है, तो एगो सामान का दाम निकलेगा। समझ में आया, तो इसी हिसाब से ये देखिएगा क्वेश्चन को। यहां हम लोग देखते हैं यहां लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। माना कि एक दिन में निर्माण किए गए कुल बर्तन एक दिन में कितना बना है ये पता थोड़े, हम तो ये अपना से 8 बोले हैं ना कि एक दिन में ये 8 बना है, यहाँ पता नहीं है। अब बताइए एक दिन में निर्माण एक्स बर्तन निर्माण हुआ है, एक्स बर्तन निर्माण था, एक बर्तन का दाम कितना है, तो जितना ही है इसको दुगुना करके क्या जोड़ेंगे, 3। तो यहाँ देखिए तथा एक बर्तन फैक्ट्री में एक बर्तन का दाम या एक बर्तन का दाम कितना हो जाएगा, एक बर्तन का दाम, तो ये जो भी संख्या है इस संख्या को दुगुना कीजिए और दुगुना करके क्या कीजिए, 3 जोड़िए, इतना रुपया इसका दाम है। समझ में आया। अब यहाँ नेक्स्ट क्या बोला है ध्यान से समझिएगा। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कह रहा है कि जितना बना है कंपनी में बर्तन, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, इस टोटल प्रोडक्शन अभी तो पता नहीं ना है, अभी देखिए ये है टोटल बर्तन आई एगो बर्तन का दाम, जैसे कि मान लीजिए कि टोटल बर्तन अगर 5 गो रहता है आ एगो बर्तन का दाम मान लीजिए 2 रुपया है, तो बताइए 5 गो बर्तन का दाम कितना होगा, 2×5=10 यानी कि इसको गुणा कर देंगे। तो यही बोल रहा है कि टोटल बर्तन का दाम पता है कितना है, यहाँ देखिए यहाँ बोल रहा है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 19 रुपीज, कह रहा है कि टोटल बर्तन का दाम 90 रुपया है, मतलब ये दोनों को गुणा करने पर कितना आना चाहिए, दोनों को गुणा करने पर तो हमको 10 मिला, लेकिन इन दोनों को करने पर दाम कितना आ रहा है, तो 90 आना चाहिए। तो यहाँ लिखिएगा प्रश्न से एक्स इंटू 2x+3 इज इक्वल टू 90, ठीक है। x में 2 से तो हो जाएगा ये 2x² प्लस 2 में 3 से तो कितना हो जाएगा 3x में 3 से तो 3x इज इक्वल टू ये 90, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2x² प्लस 3x
और ये माइनस में 90 इज इक्वल टू जीरो। बताइए ये द्विघात समीकरण बना कि नहीं, यहाँ फर्स्ट इंटू लास्ट करें या कैसे, ये फर्स्ट और लास्ट को गुणा कीजिए। देखिए यहाँ कुछ नहीं था तब 90 को तोड़ रहे थे, यहाँ तो दो है ना, तो कितना हो जाएगा 90 दूना 180। अब 180 को दो हिस्सा में तोड़िए, दो से तो हो जाएगा 90, फिर ये दो से टूटेगा तो हो जाएगा 45, ठीक है, ये फिर ये तीन से टूटेगा तो हो जाएगा 15, और ये फिर तीन से तीन पचे 15, और ये हो जाएगा 5 × 5। अब ऐसे दो हिस्सा में तोड़ना है, ठीक है, कि क्या आ जाए, गुणा करने पर कितना आ जाए 180, और फिर जोड़े तो कितना आ जाए, जोड़े या घटाए तो 3 आ जाए। तो यहाँ देखिए तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, अब 5 × 3 = 15। ये तीन को एक साथ लीजिए, दो ही हिस्सा में तोड़ना है ना, तो तीन को एक साथ और दो को एक साथ, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, और 3 × 5 = 15, 15 में से 12 जाएगा तो 3 बच जा रहा है, आप 15 में 12 से गुणा कीजिएगा तो 90 × 180 आ जाएगा। यानी इसको तोड़ने के लिए हम लोग 15 और 12 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखते हैं 2x² + 15x - 12x - 90 = 0, ठीक है, ये दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, ध्यान से देखिए। तो 2x² पहले इधर साफ साफ लिख दें हम, 15x - 12x, वही चीज़ उतार रहे हैं 90, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे हो गया आपका बराबर में 0, क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 नहीं मिलेगा, अब गुणा कीजिए 2 में 1 से तो 2x² प्लस में हो जाएगा 3x और बराबर में 90, 2x² + 3x, आई आ जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, फिर वही बात, यहाँ 0 बचा, कुछ नहीं है तो 0, फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़िए, तो 90 दूना फर्स्ट और लास्ट को गुणा कीजिए तो 180, और जब 180 को तोड़िएगा, देखिए 2 से हो जाएगा 90, 2 से हो जाएगा 45, 3 से हो जाएगा 15, फिर 3 से 5 और फिर 5 से 1। अब क्या करना है कि इसी नंबर को दो ग्रुप में बांटना है, कि उसको नंबर को घटाने पर क्या बच जाए, बीच वाला बच जाए, तो एक काम है, 3 को का लिखिए तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 हो गया, इतना को किए तो कितना आया 12, आइए 5 × 3 = 15, तो 15 में से 12 जाएगा कितना हुआ 3, ठीक है, अब 15 में 12 से ही तो गुणा कीजिएगा तो हमेशा 180 आएगा ही। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं 2x² - 12x + 15x - 90, समझ आया, हम क्या किए हैं कि इसको तोड़े हैं, तो यही दो हिस्सा में ऐसे टूटा है, 15 में से 12 जाएगा तो 3x, अब 15 में 12 से गुणा कीजिए तो 90 × 2 = 180 आ जाएगा, इसको हम मिटा दें, दोनों में कुछ कॉमन लेना है ले लीजिए, 2x कॉमन लीजिए, तो यहाँ जब 2x निकल गया तो एगो x बचा, और यहाँ बचेगा कितना 2 × 12 प्लस यहाँ 15 कॉमन लीजिए तो कितना बचेगा x, और 15 × 6 = 90 = 0, ठीक है। अब देखिए तो ये दोनों सेम आ गया, तो हमारा फर्स्ट इंटू लास्ट सही है, तो सही है, तो यहाँ पे आगे हम लोग बनाते हैं, देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये वो बाहर वाला लिखते हैं, तो 2x + 15, ये वाला एक अंदर वाला x - 6 = 0, ठीक है, प्लस वाला लेने से क्या फायदा, ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा, मतलब 0 के बराबर करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, कैसे, आप तो देखिए ऐसे 2x + 15, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो 2x + + में जाएगा तो माइनस में, x - 15/2, ये लेने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसका आंसर माइनस में आ रहा है, हम इसको लेंगे x - 6 = 0, तो x + 6, x = क्या आया 6, यानी कि कुल बर्तन कौ गो बना है 6 गो, आ एक गो बर्तन का क्या कितना दाम है, तो जो भी बर्तन बना है इसमें 2 से गुणा करके और 3 जोड़ दीजिए तो 6 × 2 = 12 और 3 = 15 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं एक बर्तन का दाम, एक बर्तन का दाम अगर लिखना भी है तो 2x है ना, यही ना, x का मान 6 और प्लस में 3, 6 × 2 = 12 और 3 = 15, एगो ये आ गया, एगो ये आ गया, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना है, याद रखिएगा आपको एक ही शर्त पर पढ़ाई नहीं आप कभी भूल पाएंगे, याद रखें, जिस चीज को आप याद रखेंगे
वो चीज़ भूल जाएंगे। इसको याद नहीं रखना है, इसको समझना है। और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। एक बार अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने आगे गोल्स के लिए जो चीज़ आपको बनना है वो चीज़ सोच करके तब पढ़ाई कीजिए कि काश हमारा कम ही उम्र में जॉब अगर हमारा मिल जाता तो कितना बेहतर होता। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो ज़बरदस्त लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी डाउट है प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे हम लोग अगले एक्सरसाइज 4.3 में। तब तक के लिए जय हिंद।